हेलो भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को कश पवार की तरफ से। और यहाँ पे मेरे अभय ब्रो भी हैं। अभय ब्रो हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बढ़िया भाई। ये भाई ब्रो बिहार से आ गए, इनको 1 वीक हो गया है वहाँ से आए। और सब बढ़िया बिहार में, घर परिवार सब ठीक? चलिए। हेलो दिनेश, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग टुडे? तो आज कहाँ चलना है फिर? आज तो मैं अपनी 100 मिनट का बीक में जा रहा हूँ। मैं सारे स्कॉर्पियो लूंगा तब मच्छो आ रहा है तब। क्यों भाई, क्या हो गया उसमें ऐसा? मैं तो जा रहा, आपने वीडियो देखी नहीं है कल? मैं देख ली भाई, आप तसले से उसको तोड़ रहे थे। बल्कि मैं यार, ना तो कैमरा चल रहा उसमें, ना कोई डेर चल रहा, ना उसका स्टेरिंग पे कोई बटन काम करता नहीं, ना कोई पट्टी, ना कोई कुछ नहीं भाई। वो तो इसलिए नहीं चल रहा ना, आपने बेस मॉडल लिया है। फिर भी क्या करे यार, फिर भी दिक्कत आ रही है। नहीं भाई, उसमें गाड़ी गलती नहीं है ना, उसमें तो आपकी गलती है। आपको टॉप मॉडल लेना चाहिए था, बेस मॉडल नहीं लेना चाहिए था आपको। ना भाई, कतई ना मानू मैं, मेरा फोन कहाँ है अभी दिखाऊंगा। ये तो भैया टॉप मॉडल लेके रहेगा, पक्का कह दिया ना। मैं तो अपना स्कॉर्पियो लाऊंगा ना। हाँ भाई, आपको याद है? हाँ जी, अभी तक याद है आपको? अभी ला रहा हूँ मैं तो अभी। भाई वो वीडियो में बोल ऐसे, वो आपका फोन में है, वो चार्ज पर लग रहा है। मुझे वो आ गई पोटी, मैं पोटी करके आता हूँ एक बार। भाई मुझे नहीं पता स्कॉर्पियो आएगी मेरी, तो स्कॉर्पियो आ रही है आज। आप स्कॉर्पियो लेके आ रहे हो? चलो तो भाई फिर आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज है जी करवा चौथ, और आज हम करवा चौथ मनाएंगे। भाई ये छोटी सी डिब्बी दिख रही है, और ये स्कूटी, और यहाँ ये अबे, और यहाँ ये कायरव, और यहाँ पे मैं। भाई हम चलती हैं कायरू का दूध लेने के लिए, गाय का। एक्चुअली अब ये गाय का दूध पीने लगा है, इसका डब्बे वब्बे का हमने बंद कर दिया कि डब्बे का नहीं पिलाएंगे अपने बच्चे को। तो अभी अपना दूध खुद ही लेने के लिए जा रहा है। बोल रहा है पापा मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। मैंने कहा चल तो बेटा, फिर चले तो फिर तो ये लेकर चलूँ। अभी इतना हंडू जो है, कहा बताऊँ भैया की यहाँ घूमी घूमी करने का चाहिए। स्कूटी पकूटी इन पर डोलन लगो। अब तो कायरव आ गया है पहली बार अपनी प्लॉट पे। हाँ कह रहा हूँ मुझे, पापा मुझे प्लॉट दिखा के लाओ। ये काम चल रहा है, ये गुजोरा है भैया, गुजोरा। ये ऐसे कह रहा था, देखो ओ ये क्या है, तू काम भी कर ले। डोलता है पे तो पौवा मार रहा है मोह में। मैंने घरे की बाल्टी पानी मार तो खोलो मन में। अच्छा पागल है यू? अरे तो कहीं उनकी ड्राम मारा बिजली ना हारी। ए पूरे दिन भाई, ये स्टार्ट सुबह सुबह 8 बज रहे हैं। देखियो सुबह सुबह एक महकारी है मोहंडे में ते। अरे 8 बजे दुनिया मुंडो दो वे, राम को नाम ले, खावे पीवे, तू दारू पीवे, कुल्ला ही दारू ते करे। पार्टी जा मते, पानी मारे इनमें, तो पार्टी नहीं है। ओहो इतना तो कोई ट्रैफिक ना, जितना हॉर्न मार तो जा रहा हो रोड पे ते, सन्नाटो परो पूरे रोड पे। भाई हमारा कंस्ट्रक्शन का काम दिखाता हूँ मैं अब आपको। यहाँ भाई हमारे कॉलम खड़े हो गए हैं, इसमें ये कोने वाले तो हमने पहले भरवा दिए थे, तू और ये क्या ब्रो, क्या बनवा रहे हो भाई? इसको अभी ये ऐसे लेंटर डलवाएंगे इस पे, अभी इसको कॉलम भरवा दिए, अब लेंटर कहाँ, वहाँ तक इसमें, इस कॉलम तक, इस वाले कॉलम तक जो ये ना सिंपल खाली लेंटर। हाँ अभी जैसे इसका था सामने वाले ने ना, कॉलम पे खड़ा करके लेंटर डलवा देंगे। फिर पार्टीशन जैसे करना होगा, जो ऐसा भी पार्टीशन करेंगे वो बाद में कर देंगे। और ये गैलरी रहेगी, और पीछे इसमें शेड डलवाएंगे। अभी ये प्लान है, आगे देखो मालिक क्या कराता है। अब पहुंच गए भाई हम सैलून पे, दाढ़ी वाड़ी सेट कराने के लिए। या वह तो मानेसर में कराया है, मैं और अरुण थोड़ी सी लिटिल लिटिल सी कराएंगे, उसके बाद में फिर तैयार होंगे। तेरी ज्यादा गंदी है, मेरी तो अच्छी लग रही है तेरी। अरे तेरी रीच ऐसी है रही है, तेरी अजीब सी है जाए ना, घुंघराली सी ऐसी है रही है। अगर तू एक बार कैंची लगवा लेगा तो सेट है जाएगी। भूरबंद्रा देख दे, याद है कब अरुण देख के इन्होंने दाढ़ी बनवाई, और एक बार देखे भूरो प्रोफेशनल देहरादून में बनवाई, बढ़िया बनाई दाढ़ी, एक नंबर, और 2 मिनट में कर दी सेट। याद देख तो टाइम लगा, उन पे कैंची भी तो घनी तरह की रहे ना, अजीब अजीब सी कैंची में दाढ़ी दाढ़ी के। ओ तेरी बहन के सोने में, अगर तू ले गो सैलून पे कटिंग और दाढ़ी दोनों कर दिया बे। मतलब देहरादून नहीं, वहाँ जिम कॉर्बेट ब्याह में गया था, वहाँ कराई थी। इसके ब्लॉग्स नहीं देखता क्या तू? देख लेता हूँ। कब आज तक कभी देखा है? ये बस ये अभी इसके YouTube हिस्ट्री खोल के दिखाओ, इसने आज तक कभी नहीं देखा है। चेहरे को दे मेरा बेदाग निखार। हाँ फिर से रिज्यूम हो गई, मतलब कट वगैरह के, कट वगैरह ना मारना पड़ता फिर। भाई अरुण पवार आए थे यहाँ पे बस दाढ़ी बनवाने के लिए, बैठ गया बाल कटवाने के लिए। टाइम टोटली वेस्ट ऑफ टाइम करा रहा है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। 10 बज गए हैं, कहाँ हमारा फिक्स हुआ था कि 9 बजे हम लोग निकल जाएंगे आगरा के लिए गाड़ी लेने के लिए।
पर अभी तक भी यहीं पे बैठे हुए हैं यार, क्या करें भाई। कल से क्लीन शेव कराओ साला, नो झंझट घर पे लगा लो। क्लीन से सबसे बेस्ट है, सुबह आए ट्रिमर निकाले मार लिए, सबसे बेस्ट होता है क्लीन से, ना कोई खत पतन की टेंशन ना काई चीज की टेंशन यार। भाई बताओ आपका भाई आज कैसा लग रहा है? भाई वहां से सैलून वलून से आने के बाद मैं नहा धो लिया और रेडी शेडी हो गया हूँ, अपनी एप्पल वॉच पहन ली है और ये फर्स्ट टाइम मैंने ली है ये स्ट्रेट फिट एंड माय नाइकी शूज। हाउ दैट लुक्स भाई, जल्दी बताओ कैसा लग रहा हूँ। और यहाँ ये अरुण पवार है, ये अभी जूतों की पैंट देखो भाई, हमारे घर में कितनी जूते की पैंट लग रहा है। कौन से? हाँ ये अच्छे लगेंगे, हाँ इन्हें पहन ले, मैं इन्हें ही सोच रहा हूँ तो कहने की कि उन वाले इन्हें पहन ले। भाई हम रेडी हो गए हैं सारे भाई लोग, और तीनों उनके जूता नहीं है, मतलब ये देखो अबे अबे कुमार के जूता जब दहेज है तोड़ ले अभी। भाई मैं सारे व्लॉगर हूँ, मतलब मैं एक तरह से वो हूँ। हाँ आप भाई फूड ब्लॉगर भी हो, आप ऑटोमोबाइल ब्लॉगर भी हो, आप ये फैशन भी हो, ठेकेदार भी हो, मिस्त्री भी हो, चुनाई करता भी हो, पेंटर भी। एक आदमी के अंदर सारे टैलेंट होने चाहिए, सारे के सारे। आपके यहाँ का सिलसिला बन जाओ थोड़े बहुत दिनों। भाई देखो जूता देखो, यहाँ के जूता मेरे जूता, और तू दिखाइयो अपने दिखा, यहाँ के भी जूता तीनों व्हाइट व्हाइट हो रखे हैं। अब हम तो रेडी हो गए, दिनेश भी रेडी है और अजीत भैया भी रेडी होंगे अभी, और दीपेश भी आ रहा है, उसके बाद में हम सबको निकलने हैं। फुल कंफर्टेबल है, इतने कंफर्टेबल तो नहीं है, बस लुक में अच्छे हैं। लुक में तो बढ़िया लग रहे हैं भाई, जो बात है। हाँ लग, ये पीले पीले से क्यों लग रहे हैं थोड़े? ये होएंगे, ये है ना, वैसे ही हो जाएंगे ये पीले। भाई कत एकदम प्यारा लग रहा हो, आगरा में सब पागल ले जाएंगे तो देख के नोकेंगे, जल्दी से पागल खाने में भर्ती कराओ। एक और कस्टमर आ गया पागल खाने में, सब आज धोरे धोरे बन के जा रहे हैं। दिनेश ने सफेद पहन रखा हुआ है। भाई मैं कुछ यूनिक हूँ ना, तुम लोगों से अलग हूँ मैं, ये नीला नहीं है, वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। भाई आकाश पवार रेडी हो गया है पूरी तरीके से, बट अभी तक निकल नहीं रहे हैं यार, ये लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, इट्स सो मच टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओहो एक बच्चे का बाप ही कहते हैं, बच्चा दिखाओ तमने, ये रहा मेरा बच्चा, ये रही मेरी बीवी। ओ आज तो मेरे को पापा पहचान में नहीं आ रही, मेरे पापा या ये मेरे टोन। देखो भाई हमारी फैमिली, चलो फोटो ले लेते हैं। आज घेर में नाका है, और दीपक का छोटा छोरा ना वक्त बाटी है अभी, पहले लगता पहले जब चाय लग रही दिख रहा है, दिखाई अरे कितना बुरा लग रहा। अरे भाई वक्त घेरा इनके लता पैर का है, अरे निकाल लो यार, चलो भाई चलो आज भैया करवा चौथ का फास्ट भी है हमारी मिसेस का, और इसके बाद में भी इसके लिए भी फास्ट रखना है, या गोई और चुका है। चलो भाई चलो जल्दी आएंगे हम, चलो अभी अजीत भैया लेट कर रहे हैं, बाकी सब लोग रेडी हो गए, सब तैयार हो चुके हैं, बस अजीत भैया की वजह से थोड़ी सी देर हो रही है। ठीक है माँ रेडी रहना, हमें क्या ले जाए करो, तुम ले जाओ यार। मैं अरुण तो कह रहा हूँ कि मम्मी हरे ले चलेंगे अब के, और नो कह रहा कि अरे ना रहने दे छोड़ अगली बार लेने जा, जब ले चलियो बस। अब किसकी बहू आ तो गई एक बहू, अच्छा अरे अच्छा अरुण कह रहे चलो मम्मी को बहू लेने जाएंगे, जब बारात में लेके चलेंगे जरूर, बारात है मम्मी को, जैसे मेरी शादी में गई थी पहली बार, मेरी शादी में हुआ था जिसमें सारी लेडीज मम्मी है सब लोग गई थे। कहाँ प्लॉट पे क्यों? अरे यार सब रे वाइट वाइट हो रहे। हाँ क्या बात है, ना 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 तू यहीं रहे, अरे इधर से आगे होती है, बैठो ना क्या होगा पता नहीं। अरे डिग्गी खोल दे, अनलॉक कर गाड़ी अनलॉक कर। ओ ये अपने आप खुलती है अपने आप, ना ना क्या कह रहा है यू बंदा, कितनी बोतल डाल दी हम पानी की, कैसा कहा का पानी, 4-5 दिन के जा रहे हो अपना वहाना पानी मिलेगा ना, जैसे ही ना
अरे सही चल जा, या फिर भी पिछली बार 500 रुपया को दे दे को, अगर लेने हो तो अजीब भैया ले लो एयरपोर्ट 500 दे दे को, कोई करते बढ़िया रहे, बढ़िया चल गए ना, तेने चलाया वे सही चल गए ना, मैं तो खो गए तो सही चल रहे थे। हाँ बढ़िया चल रहे, देख के तो कोई बता नहीं सकता कि नकली है। छोड़ो ना, ये गुंडी रहे हैं और कहा रहे हैं, ये गुंडी रहे, ये गुथने गई नहीं, ये तो बैठे रहे। नेपाल श्रीलंका ये सब हमारे ले गए, सब ने फेंक दियो, चाइना को लेने लगे, अभी उन्हें फेंकवा दिया उल्टी। बांग्लादेश ने कांख ली आई सारी कबूतर की सी, हमारे यहाँ तेल महंगा और वहाँ तेल हम सस्ता दे रहे। भाई बैठे बैठे परेशान हो गए, अब थोड़ा सा एक बार उतरे हैं और थोड़ा सा पैरन ने हल्का कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हिला रहे हैं, और ये लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हो रहे हैं। पहुंच गए भाई हम लोग आगरा में महिंद्रा के शोरूम में अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आज हमारी गाड़ी की डिलीवरी है, हमने महिंद्रा थार रॉक्स ली है, तो कौन सा मॉडल वेरियंट वो सब चीज़ें आपको अरुण पवार यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। हाउ इज द जोश, हाई आपकी आवाज़ तो बड़ी दबदबी लग रही है, मुझे लग रहा है जैसे क्या कहना चाह रहे हो आप अपनी आवाज़ से। भाई ये इस शोरूम में हमने एक बार हम लोग जब अभय के वहाँ पे जा रहे थे, नेपाल जा रहे थे ना, उससे पहले वो नेपाल से कुछ याद आ जाता है मेरे को, जैसे नेपाल शब्द मेरे जुबान पे आता है कुछ बढ़िया बढ़िया यादें मेरे को याद आ जाती हैं जिनको मैं कभी याद नहीं करना चाहता। तो ऐसे हम शोरूम पे आ गए हैं, इसी पे हमने एक बार अपनी गाड़ी में काम कराया था, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही थी हमारी एन के अंदर, तब हम लोग आए थे इसी शोरूम में काम कराने के लिए। तो चलो एक बार चलते हैं, अभी आ जाएं सब लोग। अरे उन्हें तो आ जाना पापा, उन्होंने कैसा मजा आया रास्ते में आपको? मजा तो आया था, आप तो सो गए थे। कैसे सो गए थे आंखें बंद करके? हाँ। क्यों भाई रास्ते में मजा नहीं आया था क्या? मजा तो नहीं आया, पर इस घर को लेने की याद कर रही थी। अच्छा इसको लेने कह रहे हो आप? हाँ। चलो बहुत अच्छे, इसको दिलाएंगे आपको फिर। यहाँ तो यार कुछ भी खाने पीने का ही ना दिख रहा, मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहे। और मैं कुछ खाने की कह रहा हूँ तो मेरे पिताजी कह रहे थे कैसे तो अपने घर से रोटी ना खा खाए, मुझे तो इतनी जल्दी भूख भी लगी है। मैंने कहा 2 घंटे तो हो चुके हैं, 2 घंटे में तो भूख लग ही जाती है। चलो भाई घुसो यार, चलो 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 आ रहा हूँ भाई। सबसे पहले मैं और अभय यादव आ गए हैं पहली बार रॉक्स देखने के लिए, मतलब हम लोग दोनों जने ना बहुत टाइम से सोच रहे थे कि रॉक्स देखने चलेंगे। एक बार तो हम शोरूम के बाहर तक चले गए थे दोनों जने, पर फिर अंदर ना गए कि अरे यार कहाँ इसे देखने के लिए स्पेशली जाएंगे, फिर वो सेल्समैन चेप हो जाते इसलिए हम ना गए, पर आज हम देख रहे हैं। सो ब्रो हाउ इज इट? मस्त लग रही है यार, आप इतने सोच के क्यों बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ कैसी लग रही है गाड़ी? मस्त लग रही है भाई। है ना भाई, ये तो मतलब रियलिटी में ऑनेस्टली बताओ बहुत स्पेस है यार इसके अंदर, तो मतलब उस वाली के हिसाब से जो ये अपने सामने खड़ी हुई है, पुरानी वाली जो थार आया करती थी उसके हिसाब से इसमें तो बहुत स्पेस है, और सनरूफ भी है। ओ हेलो, ये तो पहाड़ वाड़न में घूमने जाने के लिए बेस्ट चीज है एकदम। वैसे यू चीज तो है कि सेम ही है, यू वर्ड चीज तो है ना, यू पूरा तो सेम ही है, वैसे बढ़ा ही है स्पेस स्पेस के मामले में, वैसे तौर से बढ़ा दे सेम ही है। हाँ नहीं तो ज्यादातर इतना कुछ चेंज नहीं है, लंबी करती 4x2 है तो यहाँ वाला खत्म कर दिया ये, 4x4 में वो चीज आ जाएगी, वो चीज आ जाएगी बस भाई। मस्त है भाई, मस्त है, जिसको लेनी है आप ले सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड आप सभी को। फिलहाल हमारी गाड़ी का देखते हैं कहाँ खड़ी है उसको। चाबी का, और ये चाबी लॉक का रहेगा सिस्टम, भाई जिसको पता हो वो बताना ही क्या है, बाकी तो हमको पता चल जाएगा। ड्राइव मोड वगैरह भी है इसके अंदर, अभी सब चीजें डाल रखी हैं। अरे इतनी दूर आए हैं भाई हम लोग आगरा ये गाड़ी लेने के लिए, हमने बुकिंग करा रखी थी और आगरा में आए हैं ना। बढ़िया बढ़िया मस्त है, बढ़िया स्पेस स्पेस के मामले में अच्छी गाड़ी है, और बाकी चलाएंगे जैसे भी अपनी गाड़ी को तो और पता चल जाएगा। कर रो है तो
अरे अभी आए भी 15 मिनट ना हुए तो मैं इतनी जल्दी भगने की भी लग गई है। कैसे भगने मारे बन रहे हैं? गाड़ी लेने आयो 20-25 लाख की गाड़ी ले रहे हैं। हम तो एक मिनट भी बोर ना हो रहे, हमें तो यहाँ कोई 2 घंटा रख लो। अरे हम तो रील वील फोटो वोटो में लग रखे हैं, इन पे तो काम ना है ना कुछ भी है। अरे वो गेट खोल के अंदर घुसो, फिर ऐसे घुसो, फिर पढ़ते हैं, फिर वो मार दे भाई अपनी बीस्ट जो अब आ रही है डिलीवरी एरिया में लगने के लिए। इतना पीछे की तरफ डिलीवरी एरिया बना रखा है इन्होंने। अब अगर गाड़ी जैसे निकाले जगह कहाँ है इनके सामने? सामने तो रोड है, निकलते ही रोड पे। अब वही तो, जैसे ये एरिया इनका खाली होना चाहिए, ये गाड़ी अपना डिलीवरी ली यहाँ से और सीधा यहीं से मेन रोड पे निकालो। इन लोगों ने पता नहीं क्या ये अजागी सिस्टम कर रखा है, पीछे की तरफ डिलीवरी जोन बना रखा है। ये है भाई अपनी थार रॉक्स। वाह, जाने दो भाई जाने दो, ऐसे नहीं कह सकता, पर तू की अब आवाज आ जाएगी क्योंकि ये नई है। पुरानी में कह सकते हैं उस वाले जॉक को। MRF के टायर लगे हुए हैं, काफ़ी बेहतरीन लग रही है गाड़ी। सो वैसे जब से इस पर कपड़ा लग रहा है, दबा तो कपड़ा लगे जा रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर। कपड़ा लग रहा है फिर भी ले भाई, वाइट कलर है। मौसम में भी देखो कितना बदलाव हो गया, धूल अंधी सी चलने के हैरा के मौसम एकदम बदल चुका है। तो गाड़ी पर तो ऐसा हो ही गई, कोई बात ना। जो ग्रिल पर यू महिंद्रा लिख रखो है, यू वाइट में अच्छा ना लग रहा यार। यू ग्रिल पे वाइट में महिंद्रा लिख रखो, यू अच्छा लग रहा हो, यू ब्लैक में है ना चाहिए हो यार। अच्छा अब यहाँ पे ये लगेंगे नंबर प्लेट, ये एसेसरीज जो लिटिल एसेसरीज वगैरह टाइप है, ये होगा भाई। डिलीवरी के लिए रेडी कर दिए गाड़ी और अब लेके निकल रही है। हमको 1-1.5 घंटा हो चुका है अभी तक यहाँ पे आए। 1-1.5 घंटे से काफ़ी इंजॉय चल रहा है, बना रहे फोटो वोटो खींच ले रहे, बस इतना सब हो रहा है। अब जल्दी हो रही है, पापा और भी कह रहे हैं कि 3:30 हो गए, उजाले में जो अपने घर तक पहुंच जा। ऐसे चलो जल्दी फटाफट करके सम सिनेमेटिक शॉट्स। ओ भाई रुक जा, तेरे ओ शिट तेरे गाल पे अभी दे ऊपर देख, गुबारा मच्छर बैठो, डेंगू वाला मच्छर। हाँ डेंगू वाला मच्छर हो, देख के ही पहचान लिया भाई का। तई क्या कह रहा था तू, अब बता। ब्लैक कलर थोड़ा लगता है, बड़ा बड़ा सा। हर गाड़ी पे ना एक कलर उसके लिए बना होता है, वही उस गाड़ी को शूट करता है वो कलर। जैसे इस गाड़ी को व्हाइट कलर में ज्यादा सूट कर रहा, चौड़ी चौड़ी सी लग रही है, ये पुरानी वाली थारते है ना, इस चौड़ा दी हो थोड़ी सी, इधर उधर चौड़ी चौड़ी सी लग रही है भाई। चलो चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। ले हमें वीडियो बनाइए, सेलिब्रेशंस। ये केक, ओ ये तो घना ही छोटा केक है रे, और क्या ऊंचे ही ऊंचे हो ये तो बस। इसको हटा देते हैं, इसको फेंक देंगे, इसको अलग कर दीजिए। हाँ बस आओ पापा, ताली में ना जोर से ताली मेरी चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई सब चीज हो गई, बहुत देर हो गई यार करते करते, फोटो वोटो में लोगों को 1 घंटा निकाल दिया है, फोटो वीडियो सारी चीजें कराने में। अब पापा को दे दी गाड़ी चलाने के लिए, पापा गाड़ी निकालो क्योंकि बहुत लेट हो रहा, 4:30 यहीं हो गए हैं, हमको लगभग 7 बज जाएंगे, घर पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा पूरा। और पापा हमारे अजीत बैग में मजाक उड़ाने में लगे पड़े, करवा चौथ के नहीं है, लेट है रो बेचारा, जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या कह रहे हो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो बाबू? अरे वहां तक गंदी सी जगह में तो जाएगी निकल के यार, सर्विस के एरिया में से। वैसे जगह तो यही है इनकी निकालने की,
होना भी इधर से ही चाहिए अजीत भैया की। उधर कोई बिजनेस डील चल रही है, बहुत इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट बिजनेस डील वहाँ चल रही है। हाँ जी, अभी तक तो कोई डिलीवरी गाड़ी ना की, अभी हमारी गाड़ी आई है। क्या हुआ? आ रहे हैं बराती बने ठन के, सपनों में सज के बचन के। ओ भाई ये कैसे लग रहे सामने के सामने, एक ही लाइन तो आते हुए एक ही लाइन में, मेरा महबूब आया है, दिनेश महबूब जा रहा है। भाई शोरूम को टाटा बाय बाय करके गाड़ी की डिलीवरी लेके और अब निकल गई हैं सारे भाई। पापा गाड़ी लेके पहली बार चले गए। कहाँ गए पापा? हैं? ओ यू एसेसरी तो लगवाई ना हमें, हमारी में ये एसेसरी मिस हो गई। वेरी गंदी लग रही है ये वाली एसेसरी, है ना, कितनी बुरी लग रही। चलो भाई पापा पता कहाँ चले गए, टेस्ट ड्राइव लेने तो ना गए पापा कहीं। पापा कहाँ मिसिंग हो गए हमारे, कहाँ है पापा? तो चले भाई, पापा तो यहाँ से आने थे, टेस्ट ड्राइव लेने गए लगे हैं पापा तो। कहाँ है? ओ वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था, पापा लेट हो गए। आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए। ओ भाई, ओ भाई साहब नीचे तो पहले। ओ भाई लगती तो मस्त है यार ये रोड प्रेजेंस तो इस गाड़ी की, क्या कहना चाहोगे बबुआ? बहुत अच्छी लगत वा, फूल भी उड़त वा, पूरे फूल उड़ गए। वाह क्या गाड़ी संतो भाई, डिलीवरी ले ली अपनी गाड़ियों की और अब चार लोग इस गाड़ी में, आठ लोग हो जा रहे हैं हम टोटल, और फोर उधर उधर। दोनों गाड़ी इनके, तू यहाँ लेन में रखियो बस, साइड में चेंज मत करियो, ठीक है? ठीक है ओके, बराबर में बिल्कुल है। ठीक है ओके भाई, अब हम लोग निकल गए वहां से, मेरे हाथों में आ गई है एंडेवर। तो पहला टोल हमारा पड़ गया है आगरा से निकलते ही, और अब बज रहे हैं भाई गाड़ी में अपनी भोजपुरी सॉन्ग। और कुणाल भाई का कौन सा फेवरेट सॉन्ग बताया भाई आपने अभी? सागवान का पलंग, सागवान का पलंग भाई साहब, भोजपुरी गाने बजते आ रहे हैं घनी देर से, मुंह पे चढ़ जाता है एक बार भोजपुरी गाना सुन ले भाई, मूड नहीं बना देते एकदम भाई, फील है उन गानों के अंदर भोजपुरी, मतलब क्या बताएं, जैसे तन बदन आपका हिल जाता है। भोजपुरी भैया भी तो बैठे हैं, वाइब्स तो भोजपुरी में ही आता है, कोई कितना कूल बन लेंगे भोजपुरी ये वो, लेकिन वाइब्स उसी में आता है भाई। भाई मैंने इसीलिए अब है कि हाथ में फोन दे दिया कि भोजपुरी गाने बजते रहने चाहिए, घर तक बंद रहने चाहिए, भोजपुरी राजा हमारा, भोजपुरी बजा रहा। अभी कौन सा चल रहा है? नथुनिया, ये केसारी लाल यादव भाई का है। और यहाँ अरे यार ये को काहे को जा लाइन में हम घुस जाए, वही क्यों हो जाती है कुणाल भाई ऐसे? बैग ले रहा हूं ये यार, सबने ले ली। चलो यार हम भी बैग ले लेते हैं, ये वही है ना कि कैश नहीं देंगे अब ये भाई, अब लड़ते रहेंगे यहीं पे यार। भाई बहुत थक गए थे, अब भूख लगी हुई, अब यहाँ पे इधर से खाने पीने को लिया है। अभी पापा ले गए गाड़ी को और उन आ गए इसी में, अब हम खा लेते हैं थोड़ा सा लिटिल लिटिल कुछ। कितना रहो ये क्या है, ये क्या है भैया, इसे उतारो। घर में आने के बाद में अब बैठ गए मैं और अब है भाई अपनी थार रॉक्स के अंदर। भाई साहब कितना स्पेस है इस गाड़ी में, याद है लद्दाख जाएंगे तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा है ना, वाह वाली सनरूफ भी है ना इसलिए मजा आ जाएगा इसमें। और स्पेस देख भाई, स्पेस कितना, पिछली बारी में हम लोग गए थे भाई लद्दाख गए थे यार, इतने परेशान है जाए, उल्टी पुल्टी सी लग रही। और एक यहाँ में सफेद सफेद रंग लगा दो ना, यू बहुत सही करो भाई,
मतलब ये व्हाइट व्हाइट सा कर दिया भाई, इतना उजाला ही उजाला उजाला उजाला, जो पार्टी लवर्स हैं ना उनके लिए तो मतलब माहौल बना देगी गाड़ी। जो वैसे गाड़ी में भाई वो माहौल बना के चलते हैं ना, वो भाई जो यहाँ गिलास व्लास रख लेते हैं, उनके नहीं आता तो जन्नत जैसी है ये गाड़ी का। तई इतना स्पेस भाई लग रही है, मतलब ऐसा लग रही है कोई तगड़ी गाड़ी है प्रीमियम से। पुरानी वाली थारी बहुत सुकड़ी सुकड़ी सी ऐसा लग रही है, जैसे छोटी सी चीज में छोटी चीज में ज्यादा चीजें भरने की कोशिश कर रही हो छोटी जगह में। और यहाँ में ऐसा है स्पेस बुतेरो, जहां तक भरना चाहो खूब भर लो, खूब बढ़िया एकदम, एक नंबर गाड़ी भाई, एक नंबर मजेदार भाई, मजा आ गया। कितने माइलेज दे रही है ये, बढ़िया भाई। ये वाइट कलर का ना ये है जो ये क्रीमिश क्रीमिश जो भी कलर है भाई, एक घाटा है भाई, गंदा देखो कितनी जल्दी होता। अभी तो ये बस शोरूम से घर तक पहुंची है, उसमें पता नहीं है किसने शोरूम में हाथ लगे हैं या हमारे किसी के हाथ लगे हैं। देखना सबसे पहले तो ये गंदी भी हैगी है यार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे हैगी एक यहाँ पे हैगी। अभी तो पहले तो भाई अब चांद निकल आया है और मेरा चांद तो इधर है, तैयारी करता घूम रहा है। कितना क्रिंज बोल दिया मैंने। थाली तैयार हो रही है, अब चलते हैं ऊपर अपनी बीवी का व्रत खुलवाने के लिए। और मेरा भी फास्ट है तो मैं अपना भी फास्ट खोलूंगा भाइयों, अपनी बीवी की लंबी उम्र के लिए। तो गाड़ी की डिलीवरी हो गई, सब चीजें हो गई, करवा चौथ बन गया, अब सोते हैं। आप सभी की कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, टेक केयर, बाय बाय।